कैसे हैं आप? मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान के लोगों ने यहाँ पर स्पीकर गेस्ट यहाँ बुलाया है, और उन्होंने मुझसे बात की कि जब आप स्टेज पर आएंगे तो अपनी जिंदगी के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और साथ साथ आप जैसे दिखाने की भी बात करेंगे। तो मेरे लगता है कि अपनी जिंदगी में अपनी बात करते रहते और इसी से करते। सो मैं यहाँ पर आपको तो ये बस की चाहने बहुत कम है यहाँ पर, मैं वो चीजें आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो मूवमेंट सबसे आपको बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल जरूर थी, क्योंकि जो चीज आपने ये समझ सकता था मुझे लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता था, और शायद जब मैं छोटा था तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे पास समझाना बेकार है। सो मैं आपको अपनी लाइफ का कॉन्क्लूजन बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर यंगस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ प्रोफेशन में जेंडर इक्वालिटी का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये कि हमारे यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि ये प्रोफेशन मर्द के लिए और ये प्रोफेशन औरतों के लिए। यानी इस तरह आपको पता है मैं कहीं का पास, तो मेरे लिए आज से 15 साल पहले ये बात बताना लोगों के पीछे मेकअप करने का शौक है ये बहुत मुश्किल बात है, इधर अपनी फैमिली को बताना भी बहुत मुश्किल बात है, तो दूसरों को समझाना तो और भी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन इससे मैंने काफी सरल या सरल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताता रही मैंने कॉन्क्लूजन बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा आपके आपकी अपने दिल की सुने, अपने दिमाग से काम लें, अपने दिल की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप अपनी जिंदगी में वैसे दूसरों के हाथ में देते हैं तो शायद वो आपसे जरूर बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन वो अपने तरीके से सोच के आपको उस जिंदगी के बारे में बताएंगे, लेकिन जो आप अपने लिए सोच सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहली बात तो ये होती है, दूसरी बात अपनी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करें, अपने फैसलों की रिस्पेक्ट करें, मिस्टेक्स करें, गलतियां करें, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे। ड्रीम्स रखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़ी बड़ी चीजें सोचें जो आप करना चाहते हैं इस लाइफ में, चाहे वो पर्टिकुलर प्रोफेशन भी हो सकता है, जैसे आई एम एन एक्टर और सोचा मैं एक बार से जल्दी एक सिविल पोजीशन पे पहुंच जाए, तो मुझे लगा मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए, आई होप आप लोगों को पसंद भी आती हो जाए। सो पर्टिकुलर प्रोफेशन भी काम कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात अल्लाह पे यकीन रखें, और हर बात लोगों को समझाना जरूरी नहीं होता मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको बात अपनी बात आपको समझ आ जाए तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाती है। उसके अलावा आप रिस्क दें लाइफ में, बहुत जरूरी है रिस्क देना, फेलियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में आपको पता नहीं चल रही कि आगे क्या है, क्योंकि डर की बात जो डर आपके दिल में होता है उसकी बात जीत होती है, जब आप उसे गुजर जाते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत आसान और मैं इतना मुश्किल समझ रहा था इसको। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ, ये तमाम बात जो मैंने आपको इसका आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। मैंने एक ऐसे घर में आग खोली जहाँ पर मेरी 5 ताराएं थी और मेरी मम्मी, मेरी नानी और नाना और मेरे पापा, तो मेरे पास सिर्फ 2 पड़ते थे, सुबह जाते थे और रात में आते थे, मेरी परवरिश ज्यादा और तो नहीं। तो जब मैं 5 साल का या 5-6 साल का हुआ तो मुझे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, इसकी चाल ठीक कराओ, ये हाथ चाल क्यों बात कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको गुड़ियों से क्यों खेलने का शौक है, इसको घर क्यों नहीं देते, ये और बच्चों की तरह घर से क्यों नहीं खेलता। तो 5 साल के बच्चे को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि उसको ये पसंद क्यों है, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं कि ये तो लड़का है इसको ये करना चाहिए, ये लड़कियों वाले काम कैसे कर रहा है, इसको जैसे कि हमने हमारे जहनों में कि ब्लू कलर और ग्रे जो है वो वर्ड पहन सकते हैं, लेकिन जो कलरफुल है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्यों मुझे भी लड़के पसंद आ सकता है, मुझे भी कलर पसंद आ सकते हैं। इसी तरह जब मैं मुझे पानी चाहिए था, तो जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ और मैंने देखना शुरू किया कि मुझे तो रंग पसंद आ रहे हैं, मुझे गुड़ियों से खेलना पसंद है और मुझे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, मुझे
तो मुझे लगा कि मैं अपने लिए तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे क्यों गलत समझते हैं? लेकिन जब मुझे फैमिली की तरफ से मेरी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये करना, मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट है। फिर मैं बड़ा हुआ सब ने कहा जी अब मैट्रिक का वक्त आ गया, मैट्रिक के अंदर साइंस नाइन्थ में साइंस सब्जेक्ट लिया। सो जिंदगी में आती थी जब आपको लगे ये काम नहीं हो सकता उसी वक्त लोग कहते हैं, जैसे अगर आपने किसी जगह पे नहीं जाना तो उस ट्रेन पे बैठने का फायदा ही है, अगर आप बैठ गए तो आपको जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाएगा वहां पर रहने का। तो मुझे जब मैट्रिक लाइन पे जब मुझे सब्जेक्ट चूज करने को मिला कि अब तो लड़का है तो साइंस चूज करना पड़ेगा, सो मैंने कहा कि मैं तो मेरे पापा से कहा कि मैं दो तीन क्लासेस ले ली बट मैं साइंस पढ़ सकता। मुझे तो कुछ आर्ट चीज पसंद है, मुझे कॉमर्स दिला दिया ताकि मैं ग्रेजुएशन कर लूं, मुझे बहुत साइंस करने पड़ी है तो शौक नहीं है। तो उस वक्त मेरे फादर फादर और मदर भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे कि क्यों क्या कैसे, लेकिन मुझे उस वक्त मैं खुश हो गया कि मुझे साइंस की केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़नी है। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया तो एक दौड़ लगी थी उस जमाने में एमबीए करनी है, एमबीए करना है सीए करना है, और मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग एमबीए थे और सीए थे, तो मुझे भी उसी रेस में भागना था। तभी मैंने कहा कि नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जिसमें मुझे खुशी हो, जिसमें मुझे मजा आए काम करने का। सो मुझे ये सोच रहे थे कि एज अ फ्लाइट स्टीवर्ड मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला, और मैंने एज अ फ्लाइट स्टीवर्ड ट्रेनिंग दी और मैंने पोजिशन भी पास की। लेकिन आज मुझे ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं मेरे ध्यान में है क्योंकि इतना ज्यादा मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी कि क्यों लोग मुझे गलत कह रहे हैं, क्यों उस टाइम में मैंने कभी दोस्त भी बनाए, मैंने आपको एक कमरे में घर में रखा था, आपने दुनिया में रहना था, इवेंट जब मैंने अपने अपने कमरे में कोई वास पेंट करता था या मैं फैमिली मेंटेन करता था तो फैमिली वाले कभी आते थे घर में तो ये मुश्किल रहता है, कोई साथ में नहीं रहती थी, अच्छी मेंटेन थी। तो अब जवाब आता था कि उस मर्दों वाले काम करो यार, ये क्या करते हो, इतना तुम पेंटिंग कर रहे हो और फैमिली मेंटेन कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता था उस वक्त मैं कभी इस हार्ट नहीं हुआ, मैंने कहा शायद इनके पास इतना दिमाग नहीं है, मुझे समझ नहीं सकते इनके पास इतना, क्योंकि आप मैंने हमेशा अपनी दिल्ली से रही। उसके बाद जब मैं फ्लाइट सीमेंट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोचा था तो शायद इस वजह से मुझे फ्लाइट से जैसे ही मारी जिसकी वजह से मुझे सीवर डिग्री पड़े और मुझे मेरा वेट बहुत बढ़ गया। सो मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिली जबकि मैं वहाँ पोजिशन खोल रहा था आगे फ्लाइट सीमेंट। जब मुझे रिजेक्शन मिली मुझे लगा कि लाइफ खत्म, मतलब आप ये लोग सही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इसी अवस्था में कुछ अच्छे बात मेरे वाले साथ करें था और उसके बाद फिर एक दौर शुरू हुई कि घर का बड़ा बेटा है तो इससे तो नौकरी करनी है और घर चलाना है, इसका इशू उसकी कहा जा रहा था कि तुम बड़े हो घर चलाना है। तो मैंने बहुत सारे जो सीरीज सबमिट करवाई और सीरीज देने की कोशिश की, प्लीज कोई मुझे जॉब दे दे, कोई मुझे जॉब दे दे, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा दिखाना था तो बच्चिया सो बड़ा बड़ा दिखाना था लड़कियों में बड़ा था, मुझे मेरा बोलना चलना चलना उठना बैठना, क्योंकि मैं ऑटो भी दिखा था तो मैं ऑटो की तरह ही खेल रहा था। सो मुझे एक जगह पर नौकरी मिली जहाँ पे सीमेंट की बोलियाँ जहाँ पर लगती है वहाँ पर मुझे उसकी लिखनी करनी थी। सो वहाँ पर क्योंकि इतने सारे आदमी के दरमियान जब मैं काम कर रहा था तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपको कुछ हरासमेंट का शिकार होते इस तरह के बच्चे, तो मुझे लगा कि नहीं इसका मतलब है लोग सही कहते हैं, मेरे अंदर ही रिकॉर्ड है बाकी सब लोग ठीक है कुछ भी रिकॉर्ड है। लेकिन सर मामा उसके बाद मेरे टीसीएस में जॉब की, टीसीएस से मुझे निकाल दिया गया, कहते हैं आप काम नहीं कर सकते आप चाहें। सो मैंने कहा ये तो आप कन्फर्म बात हो गई है कुछ नहीं कर सकता। दोबारा जमीन पे गिरा, दोबारा जीरो से मैंने स्टार्ट किया।
फिर मैंने फ्री बड़ी सारा छोड़ा तो फिर मैंने दोबारा जीरो से स्टार्ट किया और स्टार्ट स्टार्ट किया तो मेरे पास काफी मैंने ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल टूटा हुआ बात बिल्कुल सुन रहा मैं थोड़ा सा जहरी तौर पर भी होता है कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ तो मुझे जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। फिर सडनली मैंने कहा आपने हमारे लायक हो गए अब इसकी शादी कर लीजिए तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है तो मैंने तो कभी इस बारे में सोच रही है और क्या मैं एक औरत के साथ रह सकता हूँ क्या मेरे साथ क्योंकि मुझे तो खुदा के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मेरी शादी हुई शादी होने के बाद फैमिली में गुजार रहे थे कि अब बेटी नहीं हो रहा बेटी नहीं हो रहा। जब बेटी हो गया सबको पता चल गया आदमी है आप नेचर है ये आदमी है यहाँ कोई भी उम्र पर ये आदमी है तो मुझे लगा कि ये बस यही समझना चाह रहे थे लोग। छोटी सी बात भारत में अल्लाह ताला ने मुझे बार बार मैं तेरा बाबा अल्लाह ताला से बेटा तो अल्लाह ने रखी मेरा बहुत आदमी कि हम जैसे लड़के जो होते उनकी भी जिंदगी में दो लोग होते हैं या माँ या खुदा इन्हीं से वो सारी बात कह सकते हैं। बार बार तो आप जो बात खुदा से कह सकते हो माँ से भी कह पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में बैलेंस आता है। लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरी शादी में मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट कैपेबल मुझे शादी करनी चाहिए थी लेकिन अब तो हो गई है और मेरी जिम्मेदारी जिंदगी में जिम्मेदारी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बीवी के लिए बहुत खूबसूरत दे दिया और मेरी बीवी ने आज तक मुझसे कभी ये सवाल नहीं किया ऐसे ही बोलते हैं आप दूसरी शादी बीवा में आपने कैरेक्टर बुक किया या आप कोई और कैरेक्टर डालते जा रहे तो आप क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी बिग स्ट्रेंथ मुझे अल्लाह ताला ने एक ही है नहीं मुझे ये सपोर्ट इस अल्लाह ताला ने मुझे प्यार से भेजा दिया। उसके बाद करते 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 मुझे ये स्ट्रगल करता रहा और लोगों को समझाता रहा कि मैं ठीक हूँ लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया जब लोगों ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही आप ये कामयाब मेरी पार्टी से है फिर मेरी वाइफ ने कहा कि आप बिना स्टार्ट करते आप एक सैलून बिना स्टार्ट करते फिर मैंने मेरी वाइफ से मिलकर सैलून स्टार्ट किया और आज तो माशाल्लाह 12 साल हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ शी सपोर्टेड मी अ लॉट। उसके बाद जो आपकी लाइफ है इसमें बहुत स्ट्रगल थी मैंने बहुत ज्यादा पेरियर को देखे लोगों को समझाते हुए कि मैं क्या सोचता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। आज वो सब लोग मानते हैं कि हाँ ये अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है ये अच्छा मेकअप भी कर सकता है ये स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है तो लोग तो उस पर मैंने लोगों की बातों में आता तो आज मैं आप लोगों के सामने आना होगा। सो ट्रस्ट ऑन गॉड अपने आप में डील करें अपने आप से प्यार करें और अपनी बाउंड्रीज और अपनी चीजें बनाने के लिए आपने जिम्मेदारियां लिए तो वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मेरी माँ मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरी बाउंड्री में आते हैं जो उनके अलावा मेरी चीजें से माइ गॉड है। सो सना मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज भी नहीं है तो कंक्लूजन ये है कि जिंदगी के अंदर आप बहुत दफा देते हैं बहुत दफा उठते हैं बट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ अपने फॉलो में यकीन रखें अपने आप में यकीन रखें अपने और जरूरी नहीं है हर चीज दो में एक्सप्लेन करें और याद रखिए कि दुनिया में जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी कुछ चीज भी हो जाए खुदा ना खास्ता तब भी कुछ नहीं होगा। तो अपना सबसे ज्यादा हमारे जो भाई बहन यहाँ बैठी हुई है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा हम जो लड़के की सारी जिंदगी मेहनत करते हैं अपनी बीवी को संभालने में बच्चों को संभालने में माँ बहन को संभालने में अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखें और क्योंकि मेरी बीवी ने तो मुझे वही दादी दी है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन वही तय है। लेकिन आप लोग दोस्त बनाइए अपनी जिंदगी को अच्छा निकालिए अपने ख्वाब किए और जो आप करना चाहते हैं वो करें एक बार ताकि जब लोग कहेंगे कि तुम ठीक हो। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड ऑफ कोर्स